अणुवत बाल भारती विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा का पद परिचय पढ़ा था। आज की ऑनलाइन सत्र में हम सर्वनाम का पद परिचय पढ़ेंगे। तो सर्वनाम का पद परिचय पढ़ने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, इसमें सर्वनाम के भेद, हमें सर्वनाम के भेद के बारे में ध्यान में रखना है। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद छह होते हैं। सर्वनाम के छह प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद में हमें लिंग का ध्यान में रखना पड़ता है, लिंग के बारे में बताना पड़ता है। और उसके बाद में वाक्य में हमें वचन बताना पड़ता है, फिर कारक बताना पड़ता है, और जो जिस पद का हम परिचय दे रहे हैं उसका क्रिया के साथ क्या संबंध है वो बताना पड़ता है। तो आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, यह एक वाक्य है, इसका हम परिचय देंगे। जैसे ये मैं जो शब्द है वह सर्वनाम है, सर्वनाम का परिचय देंगे। तो मैं सबसे पहले सर्वनाम के भेद बताने पड़ते हैं। तो सर्वनाम के छह भेद होते हैं, जैसे पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है और निजवाचक है। तो इस मैं शब्द में सर्वनाम का कौन सा भेद है? मैं में है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो हम यहां लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद में हमें बताना है, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन उपभेद हैं, उसमें जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इस में कौन सा पुरुषवाचक का कौन सा प्रकार है, उपभेद है? तो वो है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बताना पड़ता है, तो इसमें उत्तम पुरुष है। उसके बाद में हमें मैं जो शब्द है इसमें लिंग बताना है। तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, इस चलता हूं से हमें पता चलता है क्रिया से कि मैं जो शब्द है वह पुल्लिंग है। तो हम यहां लिख देंगे पुल्लिंग, उसके बाद में हमें इस मैं शब्द में लिंग कौन सा है वह बताना पड़ेगा। तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, लिंग हमने बता दिया, अब इसमें वचन बताना है। तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, इसमें वचन कौन सा है? इसमें एक वचन है। उसके बाद में कारक बताना है, तो इसमें कर्ता कारक है। कर्ता कारक और चलता हूं ये क्रिया है, चलता हूं क्रिया का कर्ता। यह एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। यह वही कार है, यह वही कार है। इसमें जो ये यह शब्द है
इसका पद परिचय लेंगे तो यह है शब्द में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चय वाचक सर्वनाम। फिर इसमें देखते हैं लिंग कौन सा है, यह वही कार है। तो कार से हमें पता चलता है कि यह जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है। कार शब्द के आगे अगर हम अच्छा या अच्छी लगाकर देखें, विशेषण लगाकर देखें, तो पता चलता है कि यह जो शब्द है यह स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग। उसके बाद में हमें वचन देखना है, यह वही कार है। तो इसमें यह जो शब्द है वो एकवचन है, यह वही कार है। इसका हमने पद परिचय यह शब्द का देख लिया और यह जो शब्द है वह सर्वनाम है और इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। और अगर पुरुषवाचक के जो तीन भेद है इसमें पुरुष देखें तो यह शब्द में अन्य पुरुष है, यह जो शब्द है यह अन्य पुरुष में है। और इसमें लिंग है स्त्रीलिंग और वचन देखें तो एक वचन है, यह सर्वनाम का हो गया। इसके बाद में पद परिचय के अंतर्गत आता है विशेषण का पद परिचय। तो इसको भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लो अपना उदाहरण है राधा, जयपुरी साड़ी पहनती है, साड़ी पहनती है। राधा जयपुरी साड़ी पहनती है, तो इसमें हमें जयपुर जो शब्द है उसका पद परिचय देना है, क्योंकि यह जयपुरी है यह विशेषण है। और विशेषण का पद परिचय देते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तो सबसे पहले हमें विशेषण के भेद के बारे में बताना पड़ता है। विशेषण के जो भेद है वो चार प्रकार के होते हैं, जैसे गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो इस जयपुरी शब्द में विशेषण का कौन सा भेद है वो देखते हैं। तो इसमें जयपुरी शब्द में व्यक्तिवाचक विशेषण है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। फिर हमें इसमें देखना है लिंग। तो राधा जयपुरी साड़ी पहनती है, तो इसमें लिंग है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। उसके बाद में हमें देखना है वचन। तो राधा जयपुरी साड़ी पहनती है, इसमें एक वचन है, और फिर इसमें हमें देखना है विशेष शब्द। तो विशेष है साड़ी, यह जो साड़ी शब्द है यह विशेष है। तो हम यहां लिख सकते हैं साड़ी विशेष है, साड़ी विशेष है का विशेषण और उसके बाद में बतानी है अवस्था, यानी जयपुरी जो शब्द है यह विशेषण की कौन सी अवस्था में है।
विशेषण की भी तीन अवस्था होती हैं, तो जयपुरी शब्द है वो विशेषण की जो तीन अवस्था है उसमें से मूलावस्था में है, तो हम यहां लिख देंगे मूलावस्था। तो इस प्रकार हम विशेषण का पद परिचय देते हैं। आज हमने पद परिचय के अंतर्गत सर्वनाम का पद परिचय पढ़ा, विशेषण का पद परिचय पढ़ा। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया है।